वाले की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आइए शुरू करते हैं इस महीने की खास खास खबरों से। चुनौतीपूर्ण सिलक्यारा बड़कोट सुरंग ऑपरेशन सफलता के साथ समाप्त। जम्मू और कश्मीर में रामबन बायोडक्ट इंजीनियरिंग का चमत्कार। संविधान दिवस के अवसर पर मंत्रालय में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अब समाचार विस्तार से। चुनौतीपूर्ण और अप्रत्याशित परिस्थितियों के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सभी 41 श्रमिकों को सिलक्यारा बड़कोट सुरंग से 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद थे। इसके साथ ही MOS मॉर्थ डॉक्टर जनरल श्री VK सिंह, मॉर्थ सचिव श्री अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके अलावा PMO में पूर्व सलाहकार उत्तराखंड सरकार में OSD श्री भास्कर खुलबे मौके पर उपस्थित थे। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना, NDRF, ONGC, SJVNL, RVNL, BRO, NDRF और SDRF इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। PMO इंडिया की प्रत्यक्ष भागीदारी ने फंसे हुए श्रमिकों, उनके संबंधित परिवारों, बचाव कर्मियों और पूरे देश को आशा दी। आपको बताते चलें कि 12 नवंबर को ये सभी 41 मजदूर सुबह 5:30 बजे 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर फंस गए थे, जिसके बाद से ही श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए देश और विदेशों से कई सलाहकारों को मौके पर बुलाया गया। बचाव कर्मियों ने फंसे हुए 41 श्रमिकों को निकालने के लिए रैट होल खनन तकनीक का सहारा लिया। मुख्य संरचना के ढह गए हिस्से में क्षैतिज रूप से रैट होल खनन तकनीक को लागू करने के लिए दिल्ली, झांसी और देश के अन्य हिस्सों से कम 12 विशेषज्ञों को बुलाया गया। एक अभूतपूर्व विकास में जम्मू और कश्मीर ने गर्व से रामबन वायडक्ट के निर्माण के सफल समापन का जश्न मनाया। इस 1.08 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले यातायात के चमत्कारी परियोजना की लागत 328 करोड़ रुपए है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के उधमपुर रामबन खंड में बुनियादी ढांचे के विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। संविधान दिवस के मौके पर मंत्रालय के DGRD श्री रवि प्रसाद, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री संजय कुमार और संयुक्त सचिव श्री कमलेश चतुर्वेदी सहित सभी अधिकारी परिवहन विभाग में एकत्रित हुए और संविधान की भावना को कायम रखते हुए प्रस्तावना पढ़ी। यहीं पर आज की हमारी शीर्ष खबरें समाप्त होती हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।